मायसेल्फ डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम बात करेंगे एंकल स्प्रेन रिकवरी के बारे में। एंकल जॉइंट सबसे ज़्यादा वेट बेयरिंग जॉइंट है और डायनेमिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेता है जब हम चलते हैं, तो इसमें टेलोफिबुलर लिगामेंट सबसे कॉमनली इंजर्ड होने वाला लिगामेंट है, जो कि स्पोर्ट्स इंजरीज में बहुत कॉमनली देखा जाता है। और घर में भी जब हम काम करते हैं या चलते हैं तो जब पैर मुड़ता है या मोच आती है तब भी यही एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट ही जो हमारा डैमेज होता है और स्प्रेन होता है। पैर मुड़ना बहुत ही कॉमन चीज़ है और इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि कैसे इसकी रिकवरी हम घर पर ही 50-80% ठीक कर सकते हैं। जब एक्यूट इंजरी होती है, एंकल स्प्रेन होता है, तो हमें प्राइस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्राइस की फुल फॉर्म क्या है? मान लीजिए जब आपका पैर मुड़ा तो सबसे पहला पार्ट आएगा प्रोटेक्शन, पी फॉर प्रोटेक्शन। उस पार्ट को वेट बियर ना करवाएं, उसको प्रोटेक्टिव रखें और उस पर और इंजरी ना बढ़ाएं। सेकंड आएगा रेस्ट, आर फॉर रेस्ट, उस पार्ट को रेस्ट पे रखें। थर्ड आएगा आई, आई मींस आइसिंग। जब भी एक्यूट इंजरी होगी उस लिगामेंट पे, उस एंकल पे हमेशा आइसिंग ही होगी। फोर्थ आएगा सी, यानी कि कंप्रेशन, उसको कंप्रेशन दीजिए ताकि जहाँ पे वो पार्ट हम रेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे हम ब्लड वेसल्स को अच्छे से सिक्योर कर सकें। ई लास्ट आएगा ई, यानी कि एलिवेशन। जब हमारी इंजरी होगी तो इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन में स्वेलिंग हो जाती है, पैर फूलने लगता है, तो उस एलिवेशन से हम जब दो पिल्लों के ऊपर पैर को रखेंगे तो वो सारी की सारी स्वेलिंग वापस सर्कुलेशन में आ जाएगी और पैर में सोजिश कम हो जाएगी। अब एंकल स्प्रेन में क्या होता है, जब चलते चलते पैर इस तरफ मुड़ जाता है उसे हम एंकल स्प्रेन कहते हैं, कुछ लोग उसको मोच आना कहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये वाली जो हड्डी होती है हमारी, इस साइड वाली, ये लंबी होती है और ये छोटी होती है। चलते चलते जब हमारा पैर इम्बैलेंस होता है तो ये क्या करता है, पैर छोटी हड्डी की तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे स्पेस होती है। तो जब ये स्पेस में इस तरह मूव करता है तो ये जो एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट होता है यहाँ पे स्प्रेन हो जाता है। मोस्टली स्पोर्ट्स इंजरीज में 80% चांसेस होते हैं इस लिगामेंट के रप्चर होने में। एंकल स्प्रेन के एक्यूट फेज़ में प्राइस ट्रीटमेंट फॉलो करने के बाद 50-80% पेशेंट का पेन ठीक हो जाता है, पर फिर भी जो 20-30% पेन बचता है वो वेट बियर करने में पेशेंट को होता है। उसका रीज़न होता है कि टेलोफिबुलर लिगामेंट जब हील होता है तो उसके अराउंड एडहेजन्स बन जाती हैं। जब लिगामेंट में एडहेजन्स बन जाती हैं तो वो वेट बियर करने में अपनी पूरी मोबिलिटी नहीं दे पाता, ना ही स्टेबिलिटी दे पाता है। उसके लिए हमें कुछ और ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ता है, जो कि पेशेंट सेल्फ ट्रीटमेंट भी कर सकता है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट टेलस बोन और फिबुला बोन, इसके बीच में एंटीरियर यानी कि आगे वाली साइड पे ये पोजीशन है उस लिगामेंट की। अब इस लिगामेंट के अराउंड जब एडहेजन्स होती हैं तो उसको हम DTFM यानी कि डीप ट्रांसवर्स फ्रिक्शन मसाज, उसके द्वारा इसको हल्का हल्का मोबिलिटी देते हैं और उसके एडहेजन्स ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ये एडहेजन्स ब्रेक करने से लिगामेंट के जो बीच में लेयर्स होती हैं वो रिपेयर होनी शुरू हो जाती हैं और पेशेंट की मोबिलिटी अच्छी हो जाती है, वो इजीली वेट बियर कर पाता है। सेकंड टेक्निक में हम एंकल स्ट्रेंथनिंग यानी कि इस पर्टिकुलर लिगामेंट की स्ट्रेंथनिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें पेशेंट अपनी एक लेग को फोल्ड करेगा, जो कि इंजर्ड लेग है, उसमें ये वाला जो साइड है, अब पेशेंट को हम इस साइड से पैर को रेज करने के लिए बोलेंगे, इस तरह से रेज, गुड, वेरी गुड। इस स्ट्रेंथनिंग का पर्पज़ होता है कि पैर हमेशा हमारा जैसे ऐसे मुड़ता है और हम इसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसमें ये पेरोनियल मसल्स हैं ये स्ट्रेंथन होते हैं और पैर बार बार मुड़ने से बच जाता है। अब ये मूवमेंट में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसके लिए इसको तीन पार्ट में स्प्लिट करते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट तीन पार्ट्स का या तीन मूवमेंट्स का कम्बिनेशन है। इसमें डॉर्सिफ्लेक्शन करते हुए ई वर्जन और प्रोनेशन ऑफ फुट होगा। ये मूवमेंट इस तरह से होगी, देखिए, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्रोनेशन और ई वर्जन,
इससे हमारे पेरोनियल मसल्स स्ट्रेंथन हो जाते हैं और टेलोफिब्रल लिगामेंट जो एंटीरियर साइड है वो रप्चर होने से दोबारा मुड़ने से बच जाता है। अब एंकल जॉइंट की एडवांस स्ट्रेंथनिंग में यानी कि एंकल स्प्रेन जब ठीक होने लगता है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए हम थेराबैंड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि पेशेंट का पैर बार बार ना मुड़े और वो स्ट्रेंथ गेन कर सके। इसमें थेराबैंड को इस पैर में प्लेस करके दूसरे पैर को इसके बिल्कुल सामने रख के ताकि ये उसको अब स्टेबल दे दे और ये एंकर का काम करेगा, यानी कि इसने अब एक एक्सिस फिक्स कर दी है और पेशेंट इस थेराबैंड को होल्ड कर लेगा अपने हाथों में। अब वही मूवमेंट हम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट थेराबैंड के साथ करेंगे, जिसमें डॉर्सिफ्लेक्शन और ई वर्जन और साथ में प्रोनेशन होगा। इसको लेके जाओ, वेरी गुड, वापस फिर से लेके जाओ, वेरी नाइस। अब देखिए इस पैर ने एक एंकर का काम कर रहा है जहाँ पे उसने होल्ड कर लिया और ये वाला पैर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट थेराबैंड के साथ मूवमेंट कर रहा है। करो, वेरी गुड। अब ये वाला लिगामेंट इस तरह से और स्ट्रेंथन हो सकता है और बार बार हम इसको पैर को मुड़ने से बचा सकते हैं। अब एंकल की ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग के लिए हम एक मूवमेंट प्लांटर फ्लेक्शन की भी करेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस के अगेंस्ट थेराबैंड में हम इसको प्लांटर फ्लेक्शन की ओर लेके जाएंगे। वेरी गुड, अगेन वेरी गुड। इस एक्सरसाइज में हम इसको होल्ड करेंगे 5 सेकंड का और ऐसे ही 10 repetitions करेंगे। एक्यूट इंजरी में जो फोर्थ पॉइंट कंप्रेशन का मैंने आपको बताया था, उसमें ये एंकल बाइंडर बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि ये इलास्टिक होता है और कंप्रेशन बैंडेज से ज़्यादा बेटर होता है। ये हमें सपोर्ट भी देता है और स्टेबिलिटी भी देता है। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं, कैसे डालते हैं, ये सॉक्स की तरह इसको हम इस तरह से रैप कर लेंगे और ये सबसे ईजी टू यूज़ है। और ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा हील की तरफ आएगा। उसके बाद ये जो स्ट्रैप्स हैं ये फिगर ऑफ 8 में जाएंगे। इस तरह से मूव करते हुए इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। फिगर ऑफ 8 होने की वजह से ये हमें हर तरह में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और ना पैर को टू एंड फ्रो मोशन को रिलीव करता है। इस एंकल बाइंडर को पहनने से कंप्रेशन भी मिलती है और हम थोड़ी सी वॉकिंग भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमें वेट बियरिंग में थोड़ी सी हेल्प भी करता है। जैसे कि वीडियो के शुरू में हमने मेंशन किया था कि आपको लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे जिसमें पेशेंट खुद से अपने लिगामेंट की एडहेशंस को ब्रेक कर सकता है, आइए उस ट्रिक के बारे में जानते हैं। अब ये वाला लिगामेंट है जिसके अराउंड एडहेशंस हैं, इसमें पेशेंट अपने इंडेक्स फिंगर के ऊपर अपनी मिडल फिंगर को होल्ड करवाएगा और डीपली थोड़ा सा प्रेशर दे के इसको यहाँ पर फ्रिक्शन मसाज देगा। उसको एडहेशंस फील होंगी और वो इस तरह से कम 2 मिनट के लिए उस लिगामेंट पे फ्रिक्शन देगा। इस फ्रिक्शन की हेल्प से उसकी एडहेशंस ब्रेक हो सकती हैं और लिगामेंट पूरी तरह ठीक हो सकता है। अब एंकल स्प्रेन, पैर मुड़ना या मोच आना, ये सब आपने एक्यूट से लेके रिकवरी फेज तक सारा देख लिया और एक ट्रिक भी देख ली कैसे आप खुद से ठीक कर सकते हैं उसे। अब एंकल को लेके या एंकल स्प्रेन को लेके कोई भी आपके मन में क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।